आपको बताएं, जिन्ना हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रात झगड़े का मामला पेश आया। जिन्ना हॉस्पिटल की एकेडमिक काउंसिल ने सिक्योरिटी डायरेक्टर इफ्तिखार अकरम को मुअत्तल कर दिया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, जिन्ना हॉस्पिटल में गुज़िश्ता रात एमरजेंसी में डॉक्टर्स और लवाहकीन के दरमियान एक लड़ाई का वाकया पेश आया था, जिसकी पेश नजर एमएस जिन्ना हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम हमीद ने सुबह जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उसके बारे में उन्होंने एक लेटर जो था वो प्रिंसिपल जो है वो इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज को लिखा था, जिसमें ये अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी गफलत की वजह से और अरेंजमेंट ना करने की वजह से ये मामला पेश आया। उनकी जानेब से भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इनको जो है पूरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। लिहाजा अब जो है वो इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज की जो एकेडमिक काउंसिल है उसने जो कर्नल सिक्योरिटी डायरेक्टर था कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार अकरम जीना को मुअत्तल कर दिया गया है। और उनपे इंक्वायरी कमेटी ने यह भी बताया कि इनकी जानिब से जो उनके जो सीनियर थे उनकी कॉल रिसीव ना करने और मुनासिब सिक्योरिटी के बंदोबस्त ना करने और इसके साथ साथ जो दिगर जो 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 सिक्योरिटी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। शुक्रिया बिलाल चौधरी, अपडेट किया आपने।